दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एफडीए और एसडीए की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट और सेकंड डिवीजन असिस्टेंट भर्ती 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 176 वैकेंसी यहाँ पर निकली है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 18 जून 2022 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एफडीए और एसडीए भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है डेवलपमेंट अथॉरिटी में, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट एफडीए और सेकंड डिवीजन असिस्टेंट एसडीए की। टोटल यहाँ पर इसके लिए 176 वैकेंसीज निकली है। बात अगर यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जाए तो फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट के लिए 78 वैकेंसीज है, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट के लिए 98 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर एफडीए एसडीए के लिए यहाँ पर 176 पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। बात अगर डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 जून 2022 है। सैलरी डिटेल की अगर इसमें बात की जाए तो फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट के लिए 14,550 से 26,700 है, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट एसडीए के लिए 21,400 से 42,000 है प्रति माह के लिए। बात अगर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹350 फीस है, एससी एसटी पीएच के लिए ₹200 फीस है जो कि आप ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट कर सकते हो। बात अगर यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की जाए तो इसमें टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटक जॉब लोकेशन है bdabangalore.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसके अंतर्गत से आप सभी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। और बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।